हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ, यहाँ तक कट करना। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज संदीप कौशल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज कैलकुलस। और कैलकुलस के बारे में हम जानते हैं। व्हाट इज कैलकुलस? बेसिकली कैलकुलस है क्या? कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स एंड द इंटीग्रल्स ऑफ फंक्शन एक्स। किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए हमें कैलकुलस पढ़ना होता है। बेसिकली देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ कैलकुलस। फर्स्ट ब्रांच इज डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकंड ब्रांच इज इंटीग्रल कैलकुलस। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अप्रॉक्स 4 to 5 चैप्टर्स एंड ऑल दीज 4 5 चैप्टर कंबाइंडली मेक अ पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज कैलकुलस। पहला जिसमें चैप्टर होगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, नेक्स्ट चैप्टर होगा डेरिवेटिव्स, उसके बाद में इंटीग्रल्स, उसके बाद में हमारा पढ़ना होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो 5 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, ये मिलकर कैलकुलस बनाते हैं। ठीक है, तो कैलकुलस में हम सबसे पहला जैसे हमारे पास चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कॉन्टिन्यूटी को पढ़ने के लिए हमें बेसिक लिमिट की जरूरत पड़ेगी। मीन्स यदि हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ने जा रहे हैं तो हमें लिमिट्स का आइडिया होना चाहिए, लिमिट्स क्या होती हैं, और उसके व्याप पर हम कॉन्टिन्यूटी को आगे समझेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे लिमिट्स। बेसिकली कॉन्टिन्यूटी को हम कहेंगे तो कॉन्टिन्यूटी इज द एप्लीकेशन ऑफ द लिमिट्स, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिमिट्स। लिमिट्स के हम टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम कॉन्टिन्यूटी पर आएंगे, सो दैट द टॉपिक कॉन्टिन्यूटी बिकम्स टू मच इजियर, राइट। हम यहाँ पे लिमिट्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेट अ फंक्शन एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2x डिवाइड बाई x। कोई एक फंक्शन है एफ एक्स और उसको हमने लिया 2x डिवाइड बाई x, और यहां पर x के डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखी। जैसे x की वैल्यू यदि हम 1 पुट करते हैं तो यहां पर आएगा 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1, मीन्स एट x इक्वल टू 1 फंक्शन गिव्स वैल्यू 2। एट x इक्वल टू 2 इस फंक्शन की वैल्यू आती है 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, यहां पर भी इसकी वैल्यू 2 आती है। माइनस वन पर देखेंगे तो वहां पर भी 2 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1, मीन्स एट x इक्वल टू माइनस 1 फंक्शन की वैल्यू यहां पर भी 2 आती है। माइनस 2 पर भी अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 2, यहां पर भी इसकी वैल्यू 2 आती है। बट यहां यदि हम x की वैल्यू 0 पुट करें, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तब यहां पर क्या आता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 डिवाइड बाई 0। ये तो फॉर्मेट हो गया 0 डिवाइड बाई 0 का, मींस ये एट x इक्वल्स टू 0 ये तो कोई फॉर्सवेल वैल्यू नहीं दे रहा है। तो जो फंक्शन डिफाइंड होगा, फंक्शन fx इक्वल्स टू 2x अपॉन x, इसकी जो डोमेन होगी, मींस यहां पर या तो एक है सच दैट x इज नॉट इक्वल्स टू 0, फंक्शन इज डिफाइंड fx इक्वल्स टू 2x अपॉन x इन सच अ वे दैट x इज नॉट इक्वल्स टू 0, और हम इसको कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। डोमेन क्या होगी? इसमें सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं बट 0 नहीं आएगा। अब जब 0 नहीं आएगा तो 0 के स्पेशल केस में बात करते हैं। 0 नहीं आएगा तो क्या 0 के ठीक पहले वाली वैल्यू या 0 के ठीक बाद वाली वैल्यू, मीन्स हम 0 को छोड़ दें, 0 के आगे और पीछे वाली वैल्यू इसको देखेंगे, क्या वो इसकी वैल्यू देते हैं, मीन्स एग्जिस्टेंस वैल्यू देते हैं या नहीं देते, बात करते हैं। इसका एक ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं fx equals to 2x upon x। यहां पर हम देख रहे हैं at x equals to 1 की बात करें, at x equals to 1 fx कितना आ रहा है 2 आ रहा है, राइट 2 आता है। at x equals to 2 fx की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है, 1 पर भी fx की वैल्यू 2 आ रही है, 2 पर भी आ रही है, माइनस 1 पर भी 2 आ रही है और माइनस 2 पर भी 2 आ रही है, मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। fx equals to 2x upon x एक स्ट्रेट लाइन बन रही है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x belongs to real number, बट यहां अब 0 का केस होगा, 0 पर इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, राइट, 0 पर कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो यहां पर हमने एक हॉलो सर्किल बना दिया, छोटा सा हॉलो डॉट बना दिया, जहां पर इस ये यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि fx की वैल्यू एट 0 पर कोई भी पॉसिबल नहीं है। मीन्स इसके आगे की यदि हम बात करें तो वहां पर पॉसिबल है, इसके ठीक पीछे की बात करें तो वहां पर पॉसिबल है, मीन्स यहाँ यदि 0 है, 0 के ठीक आगे की बात करें तो 0.00001 यहाँ पर यदि देखें, मीन्स इसके जस्ट
राइट साइड में यदि देखें तो इसकी वैल्यू एडजस्ट कर रही है। सिमिलरली इसके ठीक लेफ्ट साइड में देखें -0.0001 की बात करें तो यहां पर भी इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। मींस अब हमें जो देखना है वो जीरो के केस में देखना है कि जीरो के केस में यदि इसकी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, मींस जीरो के केस में इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो जीरो से ठीक आगे जीरो से ठीक पीछे क्या लिमिटेड यहां पर हो सकता है कि जीरो के आगे और जीरो के पीछे इसकी वैल्यू एडजस्ट करेगी, उसको पढ़ने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लिमिट की। ठीक है, इस बात को हमें समझने के लिए किस बात की जरूरत पड़ेगी, लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक कोई जनरल फंक्शन लेते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, मीन्स यहां पर एक जनरल फंक्शन लेते हैं, यदि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स ले लें, राइट, साइन एक्स यदि लेते हैं तो साइन एक्स का जो ग्राफ जाएगा वो कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, राइट। अब यहां पर एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू पर बात करें, एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू पर साइन पाई बाई टू मीन्स एफ एक्स पाई बाई टू, एक्स यहाँ पे पाई बाई टू पुट किया तो यहाँ पर क्या आया साइन पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, वन, राइट, साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन। ठीक है, वन। अब पाई बाई टू से ठीक आगे की बात करें और ठीक पीछे की बात करें, मीन्स थोड़ा सा आगे यदि हम जाकर के देख रहे हैं, मीन्स यदि हम लेफ्ट साइड से देखें, लेफ्ट साइड से यदि ये वैल्यू लेफ्ट साइड से इंक्रीज होकर के टेंड्स टू पाई बाई टू जा रही है, मीन्स पाई बाई टू एग्जैक्ट नहीं हो रहे, टेंड्स टू पाई बाई टू जस्ट अप्रोच कर रही है पाई बाई टू पर, तो वहां की वैल्यू भी वन आएगी। यदि हम राइट साइड से चल करके आए और राइट साइड से चल के आकर के हम यहां पर जाते हैं एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, राइट, तब भी उसकी वैल्यू यहां पर वन आती है। मीन्स यहां पर इसके जो लेफ्ट साइड का नेबरहुड है, लेफ्ट नेबरहुड है, दैट ऑल्सो गिव्स वन बाई टू, दैट ऑल्सो गिव्स वन, और राइट साइड का जो नेबरहुड है दैट ऑल्सो गिव्स वन, तब जब कंडीशन ऐसी होती है जहां पर लेफ्ट साइड का नेबरहुड और राइट साइड का नेबरहुड दोनों इक्वल वैल्यू देते हैं तो वहां पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। मीन्स बात करें यदि हम इस पॉइंट पर यदि हम कोई एक फंक्शन एक यहां पर टर्म एच को रिप्रेजेंट करें पाई बाई टू माइनस एच, और इधर पे हम देखें तो पाई बाई टू प्लस एच, जो पाई बाई टू प्लस एच है मींस ये जस्ट राइट साइड में है पाई बाई टू के, और पाई बाई टू माइनस एच है दिस इज जस्ट एट लेफ्ट साइड ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, जहां पर एच की वैल्यू बिल्कुल नियरली इक्वल टू जीरो है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, एग्जैक्ट जीरो होगा तो वहां पर ये पाई बाई टू ही बना देगा, मीन्स एच की वैल्यू हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज वेरी नियरली इक्वल टू जीरो, तो एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच दैट विल गिव राइट साइड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एंड एच टेंड्स टू जीरो होगा, वहां पर हम पाई बाई टू माइनस एच मीन्स एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है तो एफ पाई बाई टू माइनस एच देंगे दैट विल गिव लेफ्ट नेबरहुड ऑफ दिस फंक्शन, जो लेफ्ट नेबरहुड होगा और जो राइट नेबरहुड होगा दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द लिमिट। ठीक है, तो ये चीजें हमारे लिमिट से रिप्रेजेंट होंगी, तो इसके ठीक लेफ्ट साइड की वैल्यू और इसके ठीक राइट साइड की वैल्यू हम लिमिट्स में पढ़ेंगे। देखो अब लिमिट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू जा रहा था, x tends to pi by 2, ये फंक्शन है, means यहाँ पर limit x tends to pi by 2 of fx, fx क्या है sin x given है। अब हम इसके ठीक right side वाली बात कर रहे हैं, means right side वाली बात कर रहे हैं, तो pi by 2 plus h की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बोले limit x tends to pi by 2 plus h, pi by 2 plus h means right side में चले गए, तो यहाँ पर क्या होगा f x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे पाई बाई टू प्लस एच, राइट। यदि हम इस लिमिट के ठीक पीछे मींस पाई बाई टू से ठीक पीछे वाली बात करें तो वहां पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस एच, इसको हम लिख देंगे फंक्शन ऑफ पाई बाई टू माइनस एच, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोले और इसको हम राइट हैंड लिमिट बोले, और यदि हम पाई बाई टू प्लस एच की जगह पे हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू पॉजिटिव, पाई बाई टू पॉजिटिव यहां पर ये रिप्रेजेंट करेगा कि पाई बाई टू एग्जैक्ट नहीं होकर के पाई बाई टू से जस्ट आगे की वैल्यू यहां पर है, मींस राइट हैंड लिमिट। और यहां पर यदि हम बोले पाई बाई टू यहां पर उल्टा लगे, इधर प्लस होगा इधर पे माइनस होगा, या फिर ये प्लस है ये माइनस है, तो ये जो होगा ऊपर वाला दिस इज
राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट। अब यहां पर यदि हम बात करें पाई बाई टू पॉजिटिव, पाई बाई टू पॉजिटिव मीन्स पाई बाई टू से ठीक आगे की वैल्यू, दिस विल गेट राइट हैंड लिमिट। और पाई बाई टू नेगेटिव की बात करें तो पाई बाई टू से ठीक पहले मीन्स लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, तो वो क्या देगी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट। इसको हम एक और एग्जांपल के साथ समझे, कोई एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है और उसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है लाइक दिस। इफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, इस तरह से कोई ग्राफ जा रहा है, कोई एक फंक्शन है उसका ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब वहां पर एक वैल्यू है एट x इक्वल्स टू a, ये फंक्शन है fx, और एट x इक्वल्स टू a पर ये वैल्यू डिफाइंड है, यहां पर l लेते हैं। एट x इक्वल्स टू a पर यदि वैल्यू ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे एट x इक्वल्स टू a पर इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, बट जो वैल्यू डिफाइंड है उसकी वैल्यू है m, ठीक है ना, बात समझना है यहां पर। एट x इक्वल्स टू a पर इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, बट a पर जो वैल्यू आ रही है वो m आ रही है, इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, मींस इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। बट इसके यदि हम ठीक लेफ्ट साइड की बात करें, मींस a नेगेटिव की बात करें, a नेगेटिव की बात करें जी, ठीक पहले की बात करें, जैसे आपने अभी वहां पर पढ़ा था ना ग्राफ पढ़ा था, जहां पर यहां पर ए पर डिफाइन नहीं था, जीरो पर डिफाइन नहीं था, इसके ठीक लेफ्ट साइड में डिफाइन था, इसके ठीक राइट साइड में डिफाइन था, उसी तरह से यहां पर इसके ठीक लेफ्ट साइड में डिफाइन है तो उसकी लेफ्ट साइड की वैल्यू आ रही है एल, इसके ठीक राइट साइड में यदि डिफाइन है तो राइट साइड की भी वैल्यू आ रही है एल। मींस ए पॉजिटिव इज ऑल्सो गिवेन एज एल एंड ए नेगेटिव इज ऑल्सो गिवेन एज एल, बट एट ए पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो एम आ रही है, ए पर इसकी वैल्यू आ रही है एम आ रही है। अब इसमें हम बात करेंगे कि लिमिट जो इंट्रोड्यूस हुआ है यहां पर वो क्या वैल्यू के बराबर है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट बराबर है या नहीं है, मींस किसी फंक्शन की वैल्यू और किसी फंक्शन की लिमिट दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं। यहां पर जो हमारे पास फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx राइट, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx की यदि हम बात करें तब यहां पर लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव जा रहे हैं, a के ठीक आगे की वैल्यू यदि हम देख रहे हैं तो वो वैल्यू आ रही है l, क्या आ रही है l आ रही है। लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव की बात करें तो यहां पर भी लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव मींस इसके ठीक लेफ्ट साइड की वैल्यू की बात करें फंक्शन में तो उसकी वैल्यू आ रही है l, बट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू a इज m, वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू a क्या आ रही है m आ रही है। तो यहां पर तीन टर्म आ गए, पहला टर्म a पॉजिटिव की वैल्यू l आ रही है, दूसरा टर्म a नेगेटिव की वैल्यू l आ रही है, तीसरा टर्म एट x इक्वल्स टू a पर वैल्यू इसकी m आ रही है। तो ये जो फंक्शन है ये एग्जिस्ट करेगा कब, जब इसकी लेफ्ट हैंड की लिमिट और राइट हैंड की लिमिट बराबर हो जाएगी राइट। यहां पर हमने लिमिट का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होते हैं, इवन इसकी वैल्यू उस पॉइंट पर नहीं आ रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, चलेगा, बट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो रही है किसी पॉइंट पर, तो हम कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx इक्वल्स टू l, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx इक्वल्स टू l, तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट। अब भाई बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा भी फंक्शन हो सकता है जहां पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो, जनरली तो ऐसे बहुत से सारे फंक्शंस होंगे। हम यहां पर y equals to fx की बात करें, y equals to fx means यदि हम y equals to x की बात करें, ये ग्राफ है y equals to x का, means यदि हम फंक्शन fx equals to x है, फंक्शन fx equals to x है, इस फंक्शन के लिए यदि हम बात करें तो ये तो हमारा हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट होगा। यहां पर यदि यहां पर a लेते हैं, एक है ठीक आगे देखेंगे तब भी इसकी कोई वैल्यू आएगी, एक है ठीक पीछे देखेंगे तब भी इसकी वही वैल्यू आएगी, ए पर भी देखेंगे तब भी इसकी वही वैल्यू आ रही है। मींस ऐसे सारे फंक्शंस होंगे क्या जो कि एग्जिस्ट कर रहे होंगे, नहीं, कुछ फंक्शंस ऐसे भी होंगे जहां पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही होगी, तो वहां पर हम कहेंगे लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इस टाइप के फंक्शन हम पढ़ते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का, एक एग्जाम्पल लेते हैं
y equals to means fx equals to greatest integer of x, ठीक है। अब greatest integer का जो graph होता है उससे हम समझेंगे, greatest integer का जो graph होगा वो इस तरह से रहेगा, यहां पर 1 होगा, 2 होगा, इसकी वैल्यू यहां से यहां तक जाएगी, फिर इसके बाद में 2 होगा, 2 की वैल्यू यहां पर जाएगी, फिर 3 होगा, 3 की वैल्यू यहां पर जाएगी, इस तरह से। इसी तरह से नेगेटिव में जाएगा, मींस अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, इसका ग्राफ इस तरह से है, बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। अब यहां पर एट एक्स इक्वल्स टू जीरो देखो, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो देखो, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर ये वैल्यू कौन सी देगा, या तो ये देगा या तो ये देगा, मींस डिपेंड करता है। यदि यहां पर एक्स इक्वल्स टू जीरो ना देख करके, एक्स इक्वल्स टू जीरो अभी समझ रहे हैं जस्ट बाद में, इसके बाद में एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पॉजिटिव मींस यहां जीरो से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, मींस राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं, राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पॉजिटिव मींस हम एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर चले गए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जाकर के देख रहे हैं तो वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एडजस्ट दैट इज प्लस वन, वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एडजस्ट प्लस वन, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू जीरो नेगेटिव पर देखें, एट एक्स इक्वल टू जीरो नेगेटिव पर देखें, जीरो नेगेटिव पर जाएंगे तो इसकी ग्राफ की तुरंत वैल्यू डिक्रीज होकर के यहां पर आ जाती है, मींस एट एक्स इक्वल टू जीरो नेगेटिव पर भी इसकी वैल्यू आएगी माइनस वन। तो दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज राइट हैंड, सॉरी दिस इज राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ आर नॉट इक्वल, इट मींस दिस फंक्शन will not exist at x equals to 1, ये जो limit of this function at x equals to 1 zero पर exist नहीं कर रही है, limit of function fx equals to mod x does not exist, कहां पर does not exist at x equals to 0, क्यों, क्योंकि हमने 0 से ठीक आगे की limit देखी है, right hand limit देखी है, वो क्या आ रही है, positive 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, मींस राइट हैंड लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट है मींस जस्ट 0 से नेगेटिव जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है -1। तो यहां पर जो फंक्शन है वो डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, राइट हैंड साइड में जाने के बाद अलग वैल्यू आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद में अलग वैल्यू आ रही है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा एट x = 0। नेक्स्ट बात करते हैं एट x = 1 देखें, यहां पर दिस इज एट x = 1, एट एक्स इक्वल टू 1 देखें, अब 1 के ठीक आगे जाकर के देखते हैं, 1 से आगे जाकर के देखते हैं, 1 से आगे जाकर के देख रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है, मींस राइट हैंड लिमिट ऑफ 1 2 दे रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 1 लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के देख रहे हैं, मींस जस्ट 1 से पहले देखें तो उसमें ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है 1 से आगे जा रहे हैं तो अलग वैल्यू आ रही है, 1 से पहले आ रहे हैं तो अलग वैल्यू आ रही है, इट मींस द फंक्शन विल नॉट हैव विल नॉट यहां पर द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखते हैं, एट x इक्वल्स टू 1.5 की बात करें, अभी 1.5 की बात करें, 1.5 कहीं पर यहां एग्जिस्ट कर रहा होगा, अब 1.5 की बात करें, 1.5 से ठीक आगे जाकर के देखें, मींस 1.5 से थोड़ा सा आगे जाकर के देखें, मींस थोड़ा मींस 0.001 आगे, ठीक है, तो 1.500001 राइट, यहां पर यदि हम वैल्यू देख रहे हैं तो 1.5 से ठीक आगे जाकर के भी वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और 1.5 से ठीक पीछे आकर की भी वैल्यू इसकी यदि हम देखें, ठीक पीछे जाकर की वैल्यू देखें तब भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो फंक्शन the limit of this function exists at x equals to 1.5, limit of this function will exist at x equals to 2.5, 2.7, 2.8, 2.2 means ऐसे हर point पर exist करेगी, but जो integers आ रहे हैं 1,
टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इन पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है बिकॉज यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो वहां पर ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट इनके अलावा जितने भी वैल्यूज है वहां पर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि हाँ तो हम आगे जो एग्जिस्टेंस नहीं हो रहा है फॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, यदि हम 20 डिवाइड बाई 5 जैसे हम एज्यूम करते हैं दिस इज इक्वल्स टू को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन। ठीक है, 20 डिवाइड बाई 5 लाइन से इक्वल्स टू के, के इज अ रियल नंबर। तो जो ये इक्वेशन है नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन करें तो कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर 20 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू के है, तो नंबर लाइन में जितने भी नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं प्लस में से लिख सकते हैं 20 इक्वल्स टू 5 माइनस के, और जहां पर के की वैल्यू कितना है राइट साइड में एज्यूम करते हैं कि यहां पर प्लस 1 दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड प्लस 3 के इक्वल्स टू, और ये इनफाइनाइट तक लेते हैं लेफ्ट साइड में, यदि हम यहां पर 20 डिवाइड बाय 0 पर इनफाइनाइट में जा रहा है, 20 डिवाइड बाय 5 क्या था, 20 डिवाइड बाय 0 सारे नंबर्स यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट दिस इज इक्वल्स टू के, तो हम यहां इसको लिख सकते हैं प्लस इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय के। यदि अब यहां पर 15 इक्वल्स टू हम देख रहे हैं 20 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय के, तो के की ऐसी कौन सी वैल्यू है यहां पर जिसका मल्टीप्लाई 0 से हो रहा और वो 20 दे रहा है। राइट, के की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 20 दे रहा है। भाई यहां पर के की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है कि हम ऐसा क्या पुट कर रहे हैं उसका 0 से मल्टीप्लाई 20 है, कोई भी है नहीं है, मींस ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है के की, कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इट मींस दिस इज नॉट डिफाइंड, यानी 20 डिवाइड बाय 0 यानी के इज नॉट डिफाइंड। आगे बात करें, यदि हमारे पास 0 अपॉन 0 होता, राइट, 0 अपॉन 0 होता, इसको हम k के एज्यूम करें इक्वल्स k, और k इज अ रियल नंबर। ठीक है, अब हम इसको आगे लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय k। अब ऐसी k की कौन सी वैल्यू है जिसका मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है और 0 आ रहा है, k की हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें इसमें 1 पुट कर दें 2 कर दें 1000 कर दें, जिसका मल्टीप्लाई 0 से होगा 0 देगा, मींस k की सारी वैल्यूज पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे उसका 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर, मींस के की हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, मींस के की सारी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मींस यहां पर के की कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, के की सारी वैल्यूज पॉसिबल है, यहां पर के की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं थी, जब के की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं थी तो वो केस होता है नॉट डिफाइंड का, और जब के की सारी वैल्यूज पॉसिबल हो जाती हैं तो वो केस होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म का, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, यहां पर 0 अपॉन 0 है वो क्या बनाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0 अपॉन 0 यहां पर प्रूफ हुआ। फर्दर हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ये दूसरा है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट को प्रूफ करना है ये 0 के ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है, मींस इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0, राइट, डिनोमिनेटर वाले को भी हम लिख सकते हैं कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0, यहाँ 0 सबसे ज्यादा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 डिवाइड बाय नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या हो जाएगा, नंबर का 0 से मल्टीप्लाई हो रहा 0, यहाँ पर डिनोमिनेटर में नंबर का 0 से मल्टीप्लाई हो रहा 0, तो ये भी क्या 0 अपॉन 0 वाला केस बना दिया, मींस इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट कन्वर्ट हो गया 0 अपॉन 0 में, जब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 0 अपॉन 0 में कन्वर्ट हुआ 0 अपॉन 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा था, इट मींस इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाएगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाएगा। आगे यदि हम 0 मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट देखें, या फिर से इनफाइनाइट को हम किस तरह से डिवाइड कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0, 0 का मल्टीप्लाई नंबर से होगा तो 0 डिवाइड बाय 0, अगेन ये जो तीन नंबर हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन्होंने 0 अपॉन 0 वाला फॉर्मेट बना लिया, 0 अपॉन 0 को हम प्रूफ कर चुके हैं कि 0 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय k, यहां पर k की हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसका मल्टीप्लाई 0 से करें तो 0 आएगा, मींस k की सारी वैल्यूज हो सकती है, मींस यहां पर k की कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं है, यूनिक वैल्यू नहीं है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। राइट, आगे हम देखें, यदि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की बात करें, तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को यदि हम देखें
लेट अज्यूम इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इक्वल्स टू 0, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इक्वल्स टू हमने k अज्यूम किया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इक्वल्स टू इनफाइनाइट प्लस k, राइट, इनफाइनाइट इक्वल्स टू इनफाइनाइट प्लस k, इनफाइनाइट ना कोई भी एक रियल नंबर जोड़े वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, मींस अब वो रियल नंबर क्या हो सकता है, कोई फिक्स है क्या, नहीं है, कोई भी नंबर फिक्स नहीं है यहां पर, यानी कि k की कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, यूनिक वैल्यू नहीं है, दैट मींस इट मींस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्या होगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा, राइट। आगे हम देखते हैं 0 टू द पावर 0, लेट अस असम 0 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू k एंड k बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। यहां पर हम लॉग लेते हैं दोनों साइड, तो लॉग 0 टू द पावर 0 0 आगे आ जाएगा, लॉग 0 इज इक्वल्स टू k, ठीक है, यहां पर 0 इनटू लॉग 0 इज इक्वल्स टू k आया। लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट इक्वल्स टू k। आगे इसको देखें, 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय k, 1 अपॉन इनफाइनाइट को हम 0 लिख सकते हैं, तो 0 इक्वल्स टू माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय k, बिल्कुल वही कंडीशन बना दिया, 0 इक्वल्स टू माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय k, यहां पर इसी तरह से कंडीशन फिर से बन रही है, इट मींस यहां पर 0 टू द पावर 0 होगा वो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाएगा। आगे देखते हैं, इनफाइनाइट टू द पावर 0 है, फिर से इनफाइनाइट टू द पावर 0 को हमने फिर से अज्यूम किया, लेट अज्यूम इनफाइनाइट टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू k, वेयर k इज अ रियल नंबर, इनफाइनाइट टू द पावर 0 k इज यहां पर रियल नंबर है, फर्दर फिर से इसमें सिमिलरली प्रूफ करेंगे, लॉग दोनों तरफ लेंगे तो लॉग इनफाइनाइट यहां पर 0 इज इक्वल्स टू लॉग k, राइट, यहां पर log infinite 0 is equals to log k, तो 0 is equals to क्या आएगा, 1 upon log infinite, और 1 upon log infinite multiply हो रहा है log k से, 1 upon log infinite ये जो term है, it will give 0, तो 0 equals to 0 multiplied by log k, अब यहां पर log k की ऐसी कौन सी value होगी, जहां पर उसका multiply 0 से और 0 दे जाए, means कोई एक defined value नहीं होगी, इस term की कितनी भी value आती रहेगी, कितनी भी value आएंगी, उसका 0 multiply होगा, तो 0 आएगा, means यहां पर फिर से कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं है, इट मींस यहां पर इनफाइनाइट टू द पावर 0 क्या होगा, इंडिटरमिनेट टर्म होगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा। 1 टू द पावर इनफाइनाइट की बात करें, ठीक है, यहां पर एक थोड़ा सा अलग केस है, 1 एग्जैक्ट 1 नहीं है, इट टेंड्स टू 1, राइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट की तो वैल्यू आएगी, इट टेंड्स टू 1, तो इसको हम देखें, इसको अज्यूम करते हैं, लेट अज्यूम दिस इज इक्वल्स टू k, इनफाइनाइट फिर से लॉग लेते हैं, इनफाइनाइट लॉग 1 इज इक्वल्स टू लॉग k, log 1 की वैल्यू क्या आएगी, log 1 इक्वल्स 0 होगा, इक्वल्स टू log k, फर्दर 0 इज इक्वल्स टू फिर से होगा 1 अपॉन इनफाइनाइट log k, 1 अपॉन इनफाइनाइट को हम 0 लिख सकते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाय log k, सिमिलरली यहां पर भी ये प्रूफ होता है, log k की कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं है, इट मींस ये हमारा क्या होगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स भी है जहां पर हमें डाउट हो सकता है कि क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है, जैसे वो टर्म है 0 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर इनफाइनाइट, ठीक है, यहां पर अब 0 पर पावर इनफाइनाइट की जा रही है, 0 मल्टीप्लाई इनफाइनाइट टाइम्स हो रहा, इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा, देन इट विल गिव 0, राइट, इनफाइनाइट टू द पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू द पावर इनफाइनाइट, ये जो टर्म होगा ये क्या देगा, इनफाइनाइट देगा। आगे आते हैं, हम इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कर रहे हैं, कोई एक टर्म जिसकी खुद की कोई एक लिमिट नहीं है उसमें फिर से अनडिफाइंड टर्म, यानी इनफाइनाइट उसमें और ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट देगा, राइट। अब 0 डिवाइड बाय इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, 0 डिवाइड बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0, इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं नंबर डिवाइड बाय 0, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 0 सबसे ऊपर जाएगा, मींस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइड बाय नंबर, अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय कोई नंबर, 0 डिवाइड बाय कोई नंबर क्या देगा, 0, मींस इंडिटरमिनेट जो फॉर्म होंगे वो फिक्स हैं, कितने होंगे, 7, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे लॉग के जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म पर आएंगे, जैसे कि 0 अपॉन 0 फॉर्मेट पर आएगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट पर आएगा, उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए हमें इंडिटरमिनेट फॉर्मेट पढ़ना पड़ा है, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं लिमिट की, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स, पहले ना लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन, एफ एक्स और कोई जी एक्स कोई दो फंक्शन हैं, ठीक है, एक्स के टर्म्स में एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन है, ठीक है। आगे बात करें, पहली प्रॉपर्टी लिमिट
x tends to 0 या x tends to a b कुछ भी कर दें, x tends to 1 कर दें, यहां पर लिमिट x tends to 0 fx plus gx हो रहा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं दो में, तो यहां पर हो जाएगा लिमिट x tends to 0 fx प्लस लिमिट x tends to 0 gx, राइट। यहां पर हम ना लिमिट x tends to 0 fx भी कर सकते हैं प्लस लिमिट x tends to 0 gx कर सकते हैं, राइट। यहां पर fx और gx कोई रियल फंक्शन है, राइट। यहां पर x tends to 0 जा रहा है, यदि दो फंक्शन को ऐड कर रहे हैं तो उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इफ दीस फंक्शंस आर सब्सट्रैक्टेड, यहां पर प्लस की जगह माइनस होता तो यहां पर भी प्लस की जगह माइनस हो जाता, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, यदि ये दोनों फंक्शन, दोनों fx और gx मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x tends to 0 fx और gx मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पर भी हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह से, लिमिट x tends to 0 fx मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x tends to 0 gx, राइट। आगे बात करते हैं, यदि यहां पर कोई एक लिमिट है और fx के साथ में किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई है, जैसे यदि यहां पर fx into fx हो जाता, राइट, fx into fx हो जाता, तो यहां पर लिमिट x tends to 0 fx होता, लिमिट x tends to 0 fx हो जाता। यदि इस केस में देखें fx प्लस fx हो जाता, मींस यहां पर लिमिट fx होता फिर से लिमिट fx होता, यानी कि ये टू टाइम्स ऐड हो रहे होते तब, सिमिलरली यहां पर 2 आ गया था, उसी तरह से एक और रूल पढ़ेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 यहां पर यदि fx का मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट टर्म से हो रहा है, राइट, तो इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट आगे मल्टीप्लाई बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ठीक है, ठीक है। ये तीन रूल, चार रूल, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं डिवाइड वाला, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डिवाइड बाय gx, ठीक है, लिमिट x tends to 0 fx डिवाइड बाय gx, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x tends to 0 fx डिवाइड बाय लिमिट x tends to 0 gx, लिमिट x tends to 0 gx इन सच अ वे दैट लिमिट x tends to 0 gx शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, राइट। यदि ये 0 बना देगा तो ये 1 upon 0 मींस नॉट डिफाइंड वाला केस बनाएगा, तो यहां पर कंडीशन क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 gx होगा वो क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, राइट।